हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हमारी क्लास हो रही है काफ़ी टाइम बाद। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में शुरू करा था 394, जो कि हमने उसी में ख़त्म भी कर दिया था। अब हम बात करेंगे 394 ए के बारे में। वो क्या कहता है, द कोड इज सपोज टू गिव नोटिस ऑफ एवरी स्कीम अंडर सेक्शन 391 और 394 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट and consider representation if any by the said government। ठीक है, therefore merger and amalgamation under a scheme of arrangement as provided, यानी कि arrangement की scheme के तहत amalgamation और merger जो हम करते हैं, कौन से section के तहत, 391 and 394 जो हम पहले कर चुके हैं। आपको यदि कोई doubt हो तो आप मेरी पुरानी video उठा के देख सकते हैं, मैंने सब उसमें explain किया हुआ है। ठीक है, स्कीम 391 और 394 ऑफ द एक्ट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ए कंप्लीट मर्जर और अमलगमेशन बिटवीन द कंपनीज, यानी कि दो कंपनीज के बीच में यदि अमलगमेशन और मर्जर हो रहा है तो वो जो होता है अमलगमेशन मर्जर अरेंजमेंट स्कीम अंडर सेक्शन 391 और 394 के तहत सबसे ज़्यादा आसान और कॉमन और कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। ठीक है, मतलब अमलगमेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो हम पढ़ चुके हैं। बस सेक्शन उन्हीं बातों को बार बार दोहराता है, कहने का तरीका अलग होता है, मतलब वही होता है। ठीक है, कहने का तरीका अलग होता है पर मतलब सेम ही होता है। देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कोर्ट। वही हमने पहले पढ़ा था कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जो स्कीम चलती है उसमें गवर्नमेंट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। There is active involvement of the court and amalgamation is complete only after the court sanction it under section 394 subsection 2 and take effect when such order of court is filed with the ROC। यानी कि ये स्कीम सिर्फ तब काम करेगी जब इसे कोर्ट सैंक्शन कर देगी, और कोर्ट सैंक्शन करने के बाद ये इफ़ेक्टिव कब होगी, जब कोर्ट के सैंक्शन के बाद ये आरओसी में फाइल हो जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन 391 और 394 में, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब वो कोर्ट उसको सैंक्शन कर देगी, और सैंक्शन जब कोर्ट सैंक्शन करने के बाद जब वो आरओसी में फाइल हो जाएगा उसके बाद वो इफ़ेक्टिव होगी। वो लीगली उस पर स्टैम्प कब लगेगी, जब कोर्ट उसको सैंक्शन कर देगी, और वो इफ़ेक्टिव कब होगी, वो इफ़ेक्टिव तब होगी जब आरओसी में वो फाइल हो जाएगी। ये अभी तक यही बात कह रहे हैं। ठीक है, आरओसी में फाइल होगी। इन फैक्ट सेक्शन 391 और 2394, यानी कि 391 से 394 ऑफ द एक्ट रीड विद कंपनीज रूल 1959 सर्व एज कंप्लीट कोड इन देमसेल्व्स इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू स्पॉन्सरिंग ऑफ द स्कीम। ठीक है, द अप्रूवल देयर ऑफ बाय द क्रेडिटर्स मेंबर्स एंड अदर सैंक्शन देयर ऑफ बाय द कोर्ट, यानी कि मेंबर क्रेडिटर जितने भी लोग होते हैं वो सब उसको जब सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ही वो स्कीम सैंक्शन होती है। इसमें कोई नई बात नहीं कह रहा मैं, एक्चुअली आपको मॉड्यूल से कराती हूँ तो मॉड्यूल में वही बात बार बार रिपीट होती है, मतलब उसका वही है। आप मेरा पुराने सेक्शन उठा के देख सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं बता रही कि पढ़ मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि अरे ये तो इतना बड़ा मोटा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो इसमें क्या नई बात कह दी। कुछ भी नई बात नहीं है, वही सब बातें हैं कि जो स्कीम है वो अमलगमेशन और मर्जर की जो स्कीम है वो कैसे कैसे चलेगी, कौन कौन से सेक्शन उसको कवर करते हैं और कैसे कैसे कवर करते हैं, कोर्ट कहाँ ज़रूरी है कोर्ट की सैंक्शन, और कब वो अप्लाई होगी, कब वो इफ़ेक्टिव होगी, स्कीम के अकॉर्डिंगली चल रहा है। अकॉर्डिंगली अमलगमेशन कैन बी इफेक्टेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, किसी भी एक तरीके से अमलगमेशन इफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग बाय ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि कंपनी जो ट्रांसफ़र हो रही है, और किसके ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से, सेक्शन 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, सेक्शन 394 के तहत यदि हाई कोर्ट किसी को ऑर्डर देती है कि कंपनी ट्रांसफ़र हो तो वो प्रोसीजर कैसे होगा, अंडर सेक्शन 394 ऑफ द कंपनी एक्ट द हाई कोर्ट में सैंक्शन ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन। हाई कोर्ट ने एक अमलगमेशन की स्कीम आई उसके पास और उसने वो सैंक्शन करी, प्रपोज बाय, जो प्रपोज करी है
टू और मोर कंपनीज ने आफ्टर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कन्वेंट अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड मेजॉरिटी इन द मेंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स, ठीक है, मोर देन 75% ऑफ शेयर हु वोट इन द मीटिंग, यानी कि कंपनी ने अपने मेंबर्स और क्रेडिटर्स की रजामंदी के साथ और शेयर होल्डर की रजामंदी के साथ कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि हम अपनी कंपनी का अमलगामेशन या मर्जर करना चाहते हैं, और ये रही क्रेडिटर, मेंबर और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लिस्ट। शेयर होल्डर की अप्रूवल लिस्ट किसने कितने परसेंट से, 75% से। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने उस स्कीम को सैंक्शन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया आपको जो लिखा था, ठीक है, स्कीम। उसके बाद क्या है, एक्चुअली जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ ना वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा ना क्लियर आया नहीं है व्हाट्सएप में, ना क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, हम करेंगे इसको, ठीक है। एंड द कंपनीज मेक ए पिटीशन टू द हाई कोर्ट फॉर अप्रूवल द स्कीम, द हाई कोर्ट सर्व ए कॉपी ऑफ पिटीशन ऑन द रीजनल डायरेक्टर, यानी कि जो जो हाई कोर्ट है जब उसके पास एक कॉपी आती है तो वो रीजनल डायरेक्टर को वो कॉपी की वो पिटीशन की एक कॉपी भेजता है CLB को, कंपनीज लॉ बोर्ड को, एंड इफ दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द अमलगामेशन द कोर्ट सैंक्शन इट, यानी कि वो क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, अब मान लो कोर्ट के पास कोई अप्रूवल आया तो वो क्या करेगा, रीजनल डायरेक्टर को और CLB को, जो कंपनी लॉ बोर्ड होती है, उसको एक कॉपी, उसकी पिटीशन की एक कॉपी उनको भेजेगा। यदि वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उस स्कीम को सैंक्शन कर देगा, ठीक है। द कोर्ट सैंक्शन इट, वंस द कोर्ट सैंक्शन द स्कीम इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपनीज, यानी कि यदि हाई कोर्ट उस स्कीम को सैंक्शन कर देता है तो सभी मेंबर्स के लिए, कंपनीज के सभी मेंबर्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो इसको माने। ऐसा नहीं हो सकता है कि हाई कोर्ट ने मेंबर्स की रजामंदी के जो पिटीशन थी उसको सैंक्शन कर दिया और कोई मेंबर उसको नहीं मान रहा, मेंबर्स के सारे मानने के बाद ही ये पिटीशन हाई कोर्ट में जाती है। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि मेंबर्स ना माने हों और पिटीशन चली गई और हाई कोर्ट ने सैंक्शन कर दियो। सेकेंड स्टेप क्या है, परचेज ऑफ शेयर ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी, सेक्शन 395 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। अंडर सेक्शन 395 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 द अंडरटेकिंग ऑफ वन कंपनी कैन बी टेक ओवर बाय अनदर कंपनी बाय द परचेज ऑफ शेयर्स, यानी कि एक कंपनी, कंपनी क्या होती है तो आपको पता ही होगा कि कंपनी, आप ऐसा नहीं है कि 2 रुपये दिए या 2 करोड़ रुपये दिए, 2 रुपये थोड़ी सी छोटी बात हो जाएगी, 2 करोड़ रुपये दिए और मैंने एक कंपनी खरीद ली। कभी भी कोई कंपनी किसी चीज़ की तरह नहीं खरीदी जाती है, कंपनी में हमेशा शेयर होते हैं और शेयर्स खरीदे जाते हैं। मान लीजिए यदि कंपनी के पास दो ही शेयर हैं, दो ही शेयरों की कंपनी है, तो यदि मेरे पास एक शेयर है उस कंपनी का, एक शेयर है, तो यानी कि मैं 50% होल्डर हो गई, यानी कि मैं आधी मालिक हो गई कंपनी के। तो कंपनी के में क्या होता है, जो अंडरटेकिंग होती है, जो खरीदे जाते हैं वो शेयर्स खरीदे जाते हैं कंपनी के, जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे कंपनी के वो उतना ज़्यादा मालिक होता है कंपनी का। उसके बाद क्या कह रहा है, ये यदि कंपनी अंडरटेक, ये टेक ओवर वाला थोड़ा सा पार्ट चला गया इसमें, जो कंपनी का टेक ओवर होता है, हॉस्टाइल भी हो सकता है और अपनी मर्जी से भी हो सकता है। तो इसमें ये लिखा, अंडरटेकिंग एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है, कैसे, शेयर खरीद के, ठीक है। द सेक्शन द नीड टू ऑब्टेन द हाई कोर्ट सैंक्शन, तो भी आपको हाई कोर्ट के सैंक्शन की, यानी कि हाई कोर्ट इस चीज़ को भी सैंक्शन करेगा तभी वो चीज़ अप्रूवल के लिए होगी। वाइल परचेजिंग शेयर द कंपनी विच एक्वायर शेयर्स शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ SEBI टेक ओवर एक्ट का रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि एक कंपनी यदि दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रही है तो ऐसे ही कोई कंपनी किसी के शेयर दबा दब नहीं खरीद सकती है। ऐसा नहीं है कि आज ही एक ही दिन में मैंने सारे पैसे दे दिए और सारी कंपनी के शेयर खरीद लिए
और वो बिक भी जाएंगे शेयर और मैं ख़रीद भी लूँगी, ऐसा नहीं होता। उसमें टेक ओवर एक्ट 1956 जो होता है, सेबी का सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 बीच में आता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि ज़बरदस्ती आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लो, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। और वो ये सब चीज़ कौन देखेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इन सब चीज़ों को सैंक्शन करेगा। द सेक्शन 372A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 द सेक्शन आल्सो प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग द शेयर ऑफ द डिसेंटिंग मेंबर, यानी कि जो मेंबर अपना शेयर नहीं देना चाहते हैं उनका, यदि कोई कंपनी उनके शेयर एक्वायर करना चाहती है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, जो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 372A बताता है कि आपको डिसेंटिंग शेयर मेंबर्स के शेयर कैसे खरीदने हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके आपको ये खरीदना है। यदि एक कंपनी, बेसिकली इस पॉइंट में क्या लिखा है, यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना, टेक ओवर करना चाहती है शेयर खरीद के, तो उसके लिए भी उसको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और कोर्ट को, कोर्ट का सेंक्शन उसके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और उसको टेक ओवर वाला एक्ट जो है, ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर एक्ट रेगुलेशन 2011 उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो एक्विजिशन कर सकता है। अमलगामेशन ऑफ कंपनीज इन नेशनल इंटरेस्ट सेक्शन 396 कहता है, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट एन अमलगामेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज असेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि दो या दो से कम अधिक कंपनियों का मर्जर, अमलगामेशन पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनता की भलाई के लिए है, तो गवर्नमेंट इसको अप्रूवल देगी, देन द गवर्नमेंट में बाय एन ऑर्डर नोटिफाइड इन द ऑफिशियली गैजेट प्रोवाइडेड फॉर द अमलगामेशन ऑफ दीज कंपनीज इन ए सिंगल कंपनी, यानी कि इन बहुत सारी कंपनियों का अमलगामेशन गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी यदि वो देखती है कि यह जो अमलगामेशन है, मर्जर है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। कई प्राइवेट कंपनियों का गवर्नमेंट कंपनी एक्वायर कर लेती है और कई गवर्नमेंट कंपनियां प्राइवेट कंपनी में चली जाती हैं, तो वो इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट, उनका जो कॉज होता है वो यही होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है तो पब्लिक की भलाई के लिए ये काम गवर्नमेंट अप्रूव करती है। द अमलगामेटेड कंपनी शैल सच कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी पावर राइट इंटरेस्ट एंड प्रिविलेजेस एज वेल एज सच फैसिलिटीज लाइबिलिटीज ड्यूटीज ऑब्लिगेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी कि यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है पब्लिक इंटरेस्ट के कारण, तो उसकी न सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी असेट्स और उसकी जो राइट्स हैं वो उसके होंगे, बल्कि उसकी लाइबिलिटी, उसके ऑब्लिगेशंस और जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो भी उस कंपनी की होंगी जिस कंपनी में वो ट्रांसफ़र हो रही है। ये मैंने अमलगामेटेड और अमलगामेटिंग कंपनी जो है उसका डिफरेंस मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे और वीडियोस देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा फ़र्क है अमलगामेटेड और अमलगामेटिंग कंपनी के बीच में, वो आप देख लेना, ठीक है, मेरी और वीडियो में मिल जाएगा। अमलगामेशन फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलेशन द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कैन बी एक्सेप्शनल केसेस ऑर्डर अमलगामेशन फॉर द रिवाइवल एंड रिहेबिलेशन ऑफ ए सिख इंडस्ट्रियल कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, यानी कि जो कंपनी बीमार कंपनी है, जो अपना हमारे फाइनेंशियल सर्कल को वीक कर रही हैं और अपने आप को भी ग्रो नहीं कर पा रही हैं, फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रही हैं, उन कंपनीज़ का अमलगामेशन भी होता है और उसके लिए भी और ये एक्ट बने हुए हैं, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 उसके तहत उसका अमलगामेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट बताए हुए हैं, ठीक है, कि जिस जिस वजह से अमलगामेशन हो सकता है और कोर्ट उसको सेंक्शन करेगी ही करेगी। 394A सेक्शन आज मैंने बताया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अलग से कुछ नया नहीं बताया हुआ, वही सब पुराना है, आप देख लेना। सिर्फ पॉइंट है कि सिख कंपनी का इसमें क्लियर किया हुआ है, टेक ओवर यदि आप, ये एक तरीके से टेक ओवर ही है, तो इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अमलगामेशन हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू होता है, ठीक है, अमलगामेशन परचेज यदि आप किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हो, यानी कि टेक ओवर इनडायरेक्ट वे में कहना चाह रहे हैं, यदि आप शेयर परचेज कर रहे हो हॉस्टल तरीके से या आराम से, तो वो टेक ओवर वाले कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। सिख कंपनी है तो आपको वो
सिक कंपनी वाला एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में यदि आप किसी कंपनी का अमलगमेशन करना चाहते हो तो उसके तहत भी आपको एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी को आप ऐसे ही किसी तरीके से ज़बरदस्ती टेक ओवर नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए एक्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। वही सेक्शन 394A बताता है, ठीक है। और यदि सेक्शन आपको चाहिए 391, 392, 393, 394, मैंने सब बताए हुए हैं, सारे सेक्शन आपको मेरे उसमें मिल जाएंगे। अभी मैंने अमलगमेशन शुरू करा है, ठीक है, और अभी मैं आपको अलग अलग टॉपिक, मतलब मैं पहले ये वाला कवर करूँगी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अप्रूवल इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन, ठीक है, ये करेंगे। अब देखते हैं अगले दिन आएगी कब आएगी ये वीडियो, फिलहाल आप ये देखिए। और यदि इससे पहले के एक्ट चाहिए हो तो ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अमलगमेशन आप मेरे वीडियो, मेरे चैनल से करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।